बिहार वासियों के लिए एक बड़ा बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी पाने का अवसर है। जो भी नियावली आई है उस नियावली के समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। इससे राज्य का हित होगा, शिक्षा का हित होगा। कोई साथी या कोई संगठन आंदोलन का रूप करते हैं तो यह उचित नहीं होगा। नमस्कार, इनसाइड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। बिहार में नए शिक्षक नियमावली को लेकर एक बार फिर से शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर हैं उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के युवा के हित में नहीं है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर, पहले वो आप सुनिए। जो संशोधन कराना चाहते हैं हाँ, तो इस मामले में स्पष्ट है सरकार की दृष्टि। ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ा बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी पाने का अवसर है। इसको किसी भी ढंग से अगर आप इसको लटकाना चाहते हैं तो बिहार के बेरोजगारों के हित में नहीं है और न शिक्षा के हित में है। इसलिए जो भी नियावली आई है उस नियावली के समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। इससे राज्य का हित होगा, शिक्षा का हित होगा और हमारी जो विरासत रही है, ज्ञान की भूमि बिहार की जो विरासत रही है, दुनिया भर में डंका बजता था बिहार के ज्ञान का, उस दिशा में सरकार के ये कदम पड़े हैं। इसके विरोध में लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई साथी या कोई संगठन आंदोलन का रूप करते हैं तो यह उचित नहीं होगा। तो आपने साफ सुना कि शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर है उनका कहना है कि यह जो दृष्टि है सरकार की इस नियम के लिए वो एकदम से क्लियर है। और मैं कहता हूँ कि बिहार जो है वो ज्ञान की धरती रही है और ऐसे में जो हमारी सरकार है उसका लक्ष्य था कि बिहार में नौकरी लाना और हम लोग इस पर अग्रसर हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि बिहार के युवा को इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह स्वागत योग्य कदम है और जो BPSC के थ्रू जो यह शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया है वो बिहार के युवा के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। नमस्कार।